चलिए शुरू करते हैं हिंदी सवंक कक्षा 12 दिगंत भाग 2। इसमें हम लोगों ने 4 पाठ तक पढ़ लिया है, आज हम लोग 5वां नंबर पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कवित। क्या नाम है? कवित। और कवित की रचना भूषण, जिनका उपनाम कवि भूषण है, उनके द्वारा किया गया। कवित भूषण या कवि भूषण के द्वारा लिखा गया एक पद है। इस पद में इन्होंने शिवाजी, मराठों के महानायक छत्रपति शिवाजी, जिनका जन्म 1627 में और मृत्यु 1680 में हुआ था, उनके वीरता के बारे में वर्णन किया है। और दूसरे पद में इन्होंने बुंदेला राजा छत्रसाल के वीरता का वर्णन किया है कि उनकी वीरता कैसी थी। कवि भूषण के बारे में मैं बता दूं कि कवि भूषण दरबारी कवि थे। कैसे कवि थे? दरबारी कवि। मन में एक प्रश्न होगा कि दरबारी कवि कहते किसे हैं, तो जो किसी राजा के दरबार में रहते हैं, वह कवि जो किसी राजा के दरबार में रहते हैं, तो राजा के दरबार में रहने वाले कवि को हम दरबारी कवि के नाम से, राजा के दरबार में रहने वाले कवि को हम दरबारी कवि के नाम से। तो भूषण कैसे कवि हैं? दरबारी कवि हैं। और ये किनके दरबार में रहे? तो भूषण इनके आश्रयदाता शिवाजी, उनके बेटा साहूजी और राजा छत्रसाल, इन तीनों का दरबारी संरक्षण, राजकीय संरक्षण इन्हें क्या था? प्राप्त था। तो सबसे पहले जान ले कि ये भूषण कौन थे। तो भूषण हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि हैं, जिनका जन्म 1611 ईस्वी में, सॉरी 1613 ईस्वी में और मृत्यु 1715 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के तिकवापुर नामक गांव में हुआ था। पूछा गया प्रश्न है कि तिकवापुर में किस कवि का जन्म हुआ था? भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में, मृत्यु 1715 ईस्वी में। इनका उपनाम है कवि भूषण। राजा छत्रसाल ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दिया था। इनका जन्म स्थान है तिकवापुर गांव, जिला कानपुर और राज्य मैंने उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिला के तिकवापुर नामक गांव में भूषण या कवि भूषण का जन्म हुआ था। इनके भाई दो थे, बड़े भाई चिंतामणि त्रिपाठी और मतिराम त्रिपाठी। इनके पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। पिताजी का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। और इनके आश्रय दाता, मतलब जिन राजा ने इनको आश्रय या संरक्षण प्रदान किया था, उनका नाम था शिवाजी, साहूजी और छत्रसाल। इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो इनकी प्रमुख तीन रचना है। मुख्य रचना कितने हैं? इन्होंने मुख्य रूप से तीन किताब लिखा। पहला शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में शिवाजी के वीरता का वर्णन किया है। शिवा बावनी, इसमें भी शिवाजी के वीरता का ही बखान है। और पिछला छत्रसाल दशक, इसमें राजा छत्रसाल के वीरता का वर्णन किया है। आपको बता दें शिवराज भूषण, जिसमें शिवाजी के बारे में चर्चा है, 384 छंद है और 105 अलंकार है। छंद कितने हैं? 384। अलंकार कितने हैं? 105 है। और शिवा बाबानी जो मुक्तक शैली में लिखा हुआ है, चलते फिरते बोला जाने वाला जो शब्द होता है, शैली हो, तो उसको मुक्तक शैली कहते हैं। मुक्त से कोई किसी मात्रा में छंद में आरोह नहीं होता है। तो शिवराज भूषण शिवा बाबनी में 52 को क्या है? मुक्तक है। और छत्रसाल दशक में 10 छंद है। कितने छंद है? और छत्रसाल दशक में राजा छत्रसाल के वीरता का वर्णन है। भूषण रीति काल के कवि है। जान ले रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ाऊंगा तब तो मैं बताऊंगा।
रीति काल को हम श्रृंगार काल कहते हैं, लेकिन रीति काल में जन्म लेने वाले कवि होकर भी इन्होंने वीर रस रचना लिखा था, उल्टा काल से उल्टा इन्होंने लिखा था। रीति काल जिसको रीति मध्य काल भी कहते हैं, वह श्रृंगार काल के नाम से फेमस है। उसमें जितने भी कवि हुए सबने सौंदर्य के बारे में, प्रेम के बारे में लिखा है, लेकिन भूषण रीति काल के कवि होकर भी इन्होंने क्या किया है, वीर रस के में रचना किया है। देखा, भूषण को रीतिबद्ध कवि माना जाता है, भूषण रीति काल के कवि थे, और भूषण के आचार्य रूप पर कौन रूप, कवि का रूप भारी पड़ गया। पूछा गया प्रश्न, किस कवि के आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया, भूषण को आचार्य उस विषय के महान विद्वान को कहा जाता है, लेकिन पर वाला रूप मंद पड़ गया, लेकिन कवि वाला रूप क्या पड़ गया, भारी पड़ गया। हम अभी दो पद यहां पढ़ने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं। ये जो पहला पद है इसको शिवराज भूषण नामक किताब से लिया गया है, और दूसरा जो पद है छत्रसाल दशक से लिया गया है। पहले पद में मराठों के महानायक, मराठों के महानेता, अपने आश्रयदाता शिवाजी के वीरता के बारे में क्या है, वर्णन है, और दूसरे पद में भी अपने आश्रयदाता राजा छत्रसाल के बारे में इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। एक बार याद रखना है कि कवि भूषण या भूषण एक दरबारी कवि थे। इनका जन्म 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के तिकवापुर नामक गांव में हुआ था। इनका उपनाम कवि भूषण था। इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, इनके पिताजी का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके दो भाई थे। इनके आश्रयदाता शिवाजी, साहू जी और छत्रसाल थे। इनके प्रमुख रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है। आपको बता दें शिवराज भूषण में 384 छंद, 105 अलंकार, और शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं। छत्रसाल दशक में 10 छंद है, याद करना आसान है। छत्रसाल दशक में कितने छंद, दशक से 10, और शिवा बावनी में 52, याद रखना। शिवराज भूषण केवल याद रखना है, शिवराज भूषण में 384 छंद, 105 अलंकार, बाकी तो दोनों से मिल ही जा रहा है। भूषण वीर रस के कवि है, भूषण किस रस के, वीर रस के कवि है, और इनके मृत्यु 1700। तो ये जो कविता है इसको वीर रस में ही लिखा गया है। किस रस में लिखा गया है, वीर रस में किया गया है। और बता दें जो पहला पद मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, इस पद में शिवाजी के वीरता का नहीं, शिवाजी के महानता का वर्णन किया गया है, और इस पहले पद को शिवराज भूषण नामक पुस्तक से लिया गया है, याद रहेगा। गौर से सुनेंगे, शांति बना के रखेंगे। इंद्र जिमी जम्ब पर रावण जो अम्ब पर, रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है, पौन परिवाह पर शंभुरतिनाह पर ज्यो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है, दवा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण बिटुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलिच मंच पर शेर शिवराज। सुलो पढ़िएगा, याद ना होगा, एक लाइन गलत सही पूछता है प्रश्न। मैं टेस्ट दो लेने वाला हूं, पहले बोल दिया हूं, एक टेस्ट होगा कवि पर चाहे दूसरा कविता के लाइन से। हम पूछ देंगे इंद्र जिमी जम्ब पर, 12 बजे अम्ब पर, किस किताब से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है, ऐसा टेस्ट मैं लूंगा, और ये अति लघु तरीय प्रश्न टाइप का होगा, दशहरा के अवकाश के बाद आएंगे तो ये टेस्ट होगा। दोनों का शुल्क पहले जमा कर लिया जाएगा, आओ के क्वेश्चन आप वहां कर लिया जाएगा, तो क्या करेंगे, तैयारी करेंगे ना। लिखा कि इंद्र जिमी जम्ब पर 12 बजे अम्ब पर रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है। कवि भूषण इस कविता के माध्यम से, इस पद के माध्यम से बताते हैं कि इंद्र जिमी जम्ब पर, जैसे इंद्र का यमराज पर दबदबा है, इंद्र जिमी जम्ब पर जैसे इंद्र का, देवताओं राज, देवराज इंद्र कहते हैं, देवताओं का राजा इंद्र है और देवताओं के गुरु बृहस्पति है, ऐसी मान्यता है। क्या लिखा, इंद्र जिमी जम्ब पर
जैसे इंद्र का जमराज पर दबदबा है, जमराज डरता है तो किससे? इंद्र से डरता है। ऐसे यमराज किससे डरता उठता? क्योंकि वो मृत्यु का स्वामी है, मृत्यु का मालिक है, मृत्यु उसके हाथ में है। किसके प्राण को कवरण करना है यह तय कौन करता है? यमराज। उसे कहा कि इंद्र जिमी जम पर, जैसे जमराज पर किसका दबदबा है? बारह देवों पर। समुद्र में लगने वाली आग को बर्वाग्नि कहते हैं। यहां बारह शब्द है लेकिन समुद्र में लगने वाली आग को बर्वाग्नि, जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं, और पेट में लगने वाली आग को दवानल जहरानल कहते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द है। समुद्र में लगने वाली आग को बरवानल, जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं, और पेट की भूख मतलब पेट की आग को हम जठरानल कहते हैं। यहां लिखा कि जैसे इंद्र का जमराज पर दबदबा है, बारब देवम पर, जैसे बरवाग्नि मतलब समुद्र की आग समुद्र के जल को भी तहस नहस कर देती है। रावण संदर्भ पर रघुकुल राज हैं, और जिस प्रकार रावण इतना बड़ा का राजा थे, तीनों लोग उनसे टकराता था, लेकिन रावण पर भी रघुकुल श्री राम का दबदबा था, क्योंकि रावण को भी कौन पराजित कर दिया? उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण इंद्र से लिया, दूसरा बरवाग्नि से लिया, और तीसरा किसे लिया? रघुकुल राम से। पूछा गया प्रश्न है कि कवि भूषण ने सीता जी की तुलना किन-किन से किया है? सीता जी की वीरता की महानता, तो बलावन क्या है? इंद्र जी में जम पर, जैसे इंद्र का जमराज पर दबदबा है, बारह देव पर, जैसे समुद्र के जल को बरवाग्नि तहस नहस कर देती है, रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है, वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के, श्री राम रावण के घमंड को जोड़ कर दिया। पौन बड़ी बाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहों पर राम द्विजराज है। क्या लिखा? पौन बड़ी बाह पर, क्या लिखा? पौन बड़ी बाह, पौन माने पवन, पौन का मतलब किसे दिया गया है? पवन, पवन माने क्या होता है? हवा। जैसे बादलों के झुंड को पवन तितर बितर कर देती है, लगता है ना बारिश के मौसम में क्या बरस जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एक बार हवा का झोंका आया कहां लेके चल जाता है पता ही नहीं चलता। कोई लिखा कि पौन बड़ी बाह पर, जैसे पवन बादलों के झुंड को तितर बितर कर देती है, शंभु रति नाह पर, समूह मन भगवान शिव जैसे रति कामदेव पर कब्जा कर लिया। जैसे स्त्री और पुरुष में सामान्य लोगों को अन्य देवताओं का ही मन ये हो जाता है, सौंदर्य को देखकर सबका मन आगे पीछे होता है कि भगवान शिव है, रति कामदेव उनके सामने आया कि मैं आपको भी अपने वश में कर लूंगी, भगवान शिव ने उसको जलाइए दिए, जो हमारे पास आ ही नहीं सकते, क्योंकि शिव जो चाहेगा वही होगा, अन्य नहीं है कि किसी के मोह माया फंस कर चले गए। वही क्या लिखा कि पौन बड़ी बाह पर, जैसे हवा का झोंका बादलों को तितर बितर कर देता है, समूह रति नाह पर, जैसे भगवान शिव ने रति कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, ज्यों सहस्त्र बाहों पर राम सुविराज, राम द्विजराज है, जैसे सहस्त्र बाहों पर परशुराम का दबदबा हो गया। सहस्त्र बाहू जिसे 100 बाह था, परशुराम भगवान विष्णु का अवतार है, फरसाले के पैदा हुए थे, पराधियां हुई इतिहास में, अगर याद नहीं है तो आपकी समस्या है, विष्णु के 10 अवतार में पराया हूं इतिहास पाठ 4 में, शायद 3 में, जहां भी हो पराया हूं ना, हमको याद आया 4 में, इसलिए मैंने बोल दिया, कहीं है तो है ना। वही लिखा कि जो सहस्त्र बाहु पर, जैसे सहस्त्र बाहु पर परशुराम का दबदबा था, दवा द्रुम दंड पर, क्या लिखा? दवा द्रुम दंड पर, जैसे जंगल की आग जंगल को भी तहस नहस कर देती है, दवा दवाग्नि में बोला हूं पहले, दवा द्रुम दंड पर, जैसे जंगल की आग जंगल के सारे वृक्ष को तहस नहस कर देती है, चीता मृग झुंड पर, एक चीता एक शेर पूरे हिरण के झुंड को तितर बितर कर देती है, भूषण भी दंड पर जैसे मृगराज है, वैसे ही भूषण मृगराज के समान है अपने शत्रु को। कितना उदाहरण देके शिवराज का नाम यहां लिया, दरबारी कवि थे। तेज तम अंश पर, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को खा जाती है, क्या लिखा? तेज तम अंश पर, मतलब तेज जो प्रकाश होता है, तम मतलब अंधकार होता है, तम मतलब क्या होता है? अंधेरा। तेज तम अंश पर, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को तहस नहस कर देती है, कान्हा जी में कंस पर, भगवान कृष्ण को कान्हा कहा जाता है, जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, उसी प्रकार मुगल वंश पर
शिवाजी का क्या था दबदबा था, क्योंकि पता है ना औरंगजेब इतना बड़ा अपने आप को समझता था लेकिन शिवाजी के डर से थरथराता था, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ कि शिवाजी के राज में घुसकर और शिवाजी औरंगजेब के क्षेत्र में घुसकर उसकी जनता से चौथ और सरदेशी मुखी नामक टैक्स लिया करता था और नहीं देने वाले लूट लिया करता था। भारत के इतिहास की कुछ परंपराएं उल्टा है कि हमारे शासकों ने वही पढ़ाया जो भारत की जनता को गुलाम के दिमाग में गुलामी भर दिया जा सके। वीर सपूतों की कहानी को नहीं पढ़ाया गया, गलत की सही, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो अंग्रेज को उसके घर में घुसा के मारा है लेकिन उसका जीवन चरित्र हमारी पुरानी सरकार ने पढ़ाने की कोशिश किया ही नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम अपने पूर्वजों की महानता को जान लोगे तुम्हारे खून में भी उसे ज्वाला आ जाएगी, लेकिन गुलामी के बाद तुम्हारे दिमाग में ठोका जाएगा तो तुम आगे बढ़ने का प्रयास कभी नहीं करोगे। जैसी साहित्य होगी तुम्हारा विचारधारा भी, और ये नेता कभी नहीं चाहेंगे कि पूर्वजों के वीर गाथा को सुना दिया जाए। महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र नहीं पढ़ाया जाता है, गलत की सही। भगत सिंह के बारे में 4 लाइन लिख के चला गया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में 4 लाइन लिख के चला गया, खुदीराम बोस के बारे में 2 लाइन लिख के चला गया, प्रफुल्ल चाकू के बारे में 4 लाइन लिख के चला गया, और बाकी उसी के जीवन चरित्र को पढ़ाया जो तुम पर तुमको दबा के रखने का कोशिश किया, क्योंकि साइकोलॉजी कहता है जैसा पढ़ेगा ना वैसा के बच्चा होगा, गुलामी के बाद पढ़ेगा तो गुलामी वाला दिमाग उसका पैदा होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने शिक्षा नीति लाई थी क्लर्क बनाने वाला, नौकर पैदा करने वाला। और एक बात रखिएगा, सरकारी नौकरी के पीछे बिहार यूपी के लोग भागते क्योंकि यहाँ गरीबी रहता है, ताकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र देखो केरल कर्नाटक में देखो वहां करो तो ले कोई ज्यादा रुचि नहीं है, गलत बोला हूं क्या? नहीं, पंजाब में एक किसान खेती करके जितना अर्न कर लेता है यहाँ डीए मुद्दा नहीं कमाते होंगे, ये भी सत्य बात है, गलत नहीं है। शान से जीता है शान से नहीं, क्योंकि टेबल के नीचे हाथ घुसाने वाले का स्वाभिमान नहीं होता है, उसका कीमत है ना, तो एक घुस 1 रुपया लो चाहे 1 करोड़ लो तुम्हारे ईमान का कीमत हो गया ना, तुम तन के नहीं बोल सकते, तन के वो इसी से बोले जहां तो घुस नहीं लिया, लेकिन बड़े लोग के सामने झुक के बोलते हैं लोग। एक बार पूरा पद को मैंने पढ़ा दिया, इंद्र जिमी जम्भ पर बारव जम्भ पर रावण संदर्भ पर रघुकुल राज हैं, पहले लाइन का अर्थ हुआ कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का यमराज पर दबदबा है, बरवाग्नि जैसे समुद्र के जल को प्रखंड विखंड कर देती हैं, जैसे रावण पर रघुकुल श्रीराम का दबदबा है, पौन बरी बाह पर शंभु रतिनाह पर ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है, जैसे पवन बादलों के झुंड को तितर बितर कर देती है, जैसे भगवान शिव ने रति कामदेव को नष्ट कर दिया, और जैसे सहस्त्रा बाहों पर परशुराम का दबदबा, दबा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण बिटुंड पर जैसे मृगराज हैं, जैसे दबा द्रुम मतलब दबाग्नि जंगल की आग जंगल के वृक्ष को तहस नहस कर देती है, जैसे मृग के झुंड को चिता चिता को देखते ही मृग का झुंड हिरण का झुंड बिखर जाती है, वैसे ही भूषण मृग के समान अपने शत्रुओं पर भारी करते हैं, तेज तम अंश पर कान्हजिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, जैसे प्रकाश अंधकार को खा जाती है निगल जाती है, जैसे भगवान कृष्ण ने कान मतलब कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया, वैसे ही हमारे शिवाजी मलेच्छ वंश माने मुगल वंश पर अपना दबदबा कायम किए। मतलब यहाँ प्रश्न कई आएगा और आसान भी है कि कवि भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से किया है, शिवाजी की वीरता का वर्णन, तो शिवाजी का वीरता का वर्णन इंद्र से, बरवाग्नि से, रघुकुल शिरोमणि श्रीराम से, पवन से किया है, भगवान शिव के से किया है, परशुराम से कर दिया है, दवाग्नि से कर दिया है, चिता से कर दिया है, गलत की सही, इसके अलावे प्रकाश से कृष्ण से नहीं, इनकी वीरता का वर्णन किया। तो यहां बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, आपको दिखे या ना दिखे, यम पर किसका दबदबा है? इंद्र का। बरवाग्नि किस पर दबदबा कर बनाया हुआ है? समुद्र के जल पर। रावण पर किसका दबदबा है? श्री राम का।
बादलों को कौन तितर बितर कर दे रहा है? पवन, हवा, और राति को कौन विजय प्राप्त कर लिया? शंभु या शिव। सहस्त्रबाहु को किसने पराजित किया? परशुराम। और अंधकार पर किसका? प्रकाश का, तेज का या प्रकाश का। और कंस पर किसका अधिकार है? वैसे मुगल वंश पर किसका है? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने आपके, गलत या सही? दूसरा जो पद है, हमने कहा कि छत्रसाल दशक से लिया गया है। दूसरा पद कहां से लिया गया है? छत्रसाल दशक नामक पुस्तक से आपका दूसरा पद लिया गया है। क्या लिखा है देखेंगे, निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, हारे तम तोम के गैंदर के जाल को लागती, लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के मालगो, लाल चितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहां लो बखान करो तेरी करवार को, प्रतिभत कटक कटी लेके ते काटी काटी, कालिका से किल की कले उदे निकाल। ये जो पद है शिवराज भूषण के द्वारा लिखित पुस्तक छत्रसाल दशक से लिया गया है, और इसमें बुंदेलों के महानायक महाराजा छत्रसाल के वीरता का बखान करते हैं, क्योंकि उनके दरबार में ये दरबारी कवि के रूप में काम किया था, और छत्रसाल के वीरता के बारे में वर्णन करते हैं। और क्या लिखते हैं? निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, मतलब छत्रसाल की तलवार निकट पर निकलता है, किस म्यान से? तलवार के रखने की जगह को म्यान कहते हैं। गलत सही? तलवार जिस कोल में रखते हैं कोबल, उसका क्या कहते हैं? म्यान कहते हैं। क्या लिखा? निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, मतलब छत्रसाल की तलवार जब म्यान से निकलती है, सूर्य की भानु मतलब सूर्य होता है, सूर्य के प्रकाश के जैसा प्रलय मचाती है, नहीं सूर्य का प्रकाश जैसे अंधकार पर प्रलय मचा देती है, वैसे ही छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलती है तो सही तेज प्रकाश का चमचमाती हुई निकलती है। प्रलय भानु कैसी, धारे तम तुम के गंधन को जाल को, और जैसे निकलता हाथियों के झुंड रूपी विशाल अंधकार को क्या करती है? चितर बितर तहस नहस कर देती है। धारे तम तुम मन तितर बितर कर, तम तुम मन अंधकार, हाथी तो करिया होवे करता है, तो हाथियों का जो काला झुंड होता है उसकी तलवार की तेज धार तहस नहस कर देती है। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, भूषण कहते हैं छत्रसाल के बारे में, क्या कहते हैं कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, ये अपने शत्रुओं पर ऐसे लिपटते हैं, ऐसा वाच रखते हैं कि नाग जैसे उसकी गर्दन को लपेट लिया, जैसे नागिन अपने दुश्मन पर कैसे वार करता है, पलटवार करता है, उसके नाग को अगर मार दो तो नागिन आपको पीछा करती है और ऐसे पलटवार करेगी, एक बार लपेट लेगी अपने तुम्हारे गर्दन को, तो तब तक गर्दन को दबाती रहेगी जब तक तुम्हारा प्राण। तो जैसे नागिन अपने शत्रु पर वार करते हुए, ही लिखते हैं कि लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी, नागिन जैसे अपने शत्रु पर वार करते हुए, ही छत्रसाल अपने शत्रुओं के गर्दन पर ऐसे वार करते हैं और गर्दन को ऐसे काटते हैं, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के मालगो, युद्ध के मैदान में शत्रु पर के गर्दन पर तलवार ऐसे चलाते हैं कि लगता है कि मुंड का माला पहनाकर भगवान शिव को प्रसन्न करेगा, धतूर का फूल नहीं चढ़ाएगा, गुलाब का फूल नहीं चढ़ाएगा, आदमी के गर्दन में माला चढ़ाएगा। लिखा है रुद्र ही, रुद्र भगवान शिव को कहते हैं, रुद्र ही रिझावे मने मनाना, रुद्र को मनाएंगे कथी से? मुंडन के माला पहना। लाल चितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहां लो काला बखान करो तेरी करवार को, भूषण कहते हैं कि हे महाराजा छत्रसाल, हमारे शब्दों में वह दम नहीं है कि मैं आपके वीरता का क्या कर सकूं, बखान करूं, वीरता का वर्णन करूं, आपके वीरता का बखान करूं। वही लिखा लाल चितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, अब तो महाबाहुबली, अब तो हाथी के झुंड को तहस नहस कर देते हैं, हजारों की संख्या में शत्रु अकेला सबके सर को छत छत बिछत कर देते हैं, तो मैं आपके वीरता का बखान कहां करूं, आपके तलवार का बखान करूं, ऐसी हमारे पास शब्द नहीं। प्रतिभट कटक कटी लेके थे काटी काटी, कालिका से कील की कलेव देती काल को, तलवार तो ऐसे चलाते हैं कि जमराज भी आपके सामने आ गया तो डरा के भाग जाएगा, यमराज भी अगर आपके सामने आ जाए, आपके तलवार को भांजते हुए तरीका को देखकर अपने शत्रु को ऐसे काटते हैं कि जमराज भी आपके सामने आकर थरथरा के क्या हो जाएगा।
तो ये वीर रस में लिखा गया दो पद हैं, और इन दोनों पद को किसने लिखा? भूषण ने लिखा। भूषण को हम कवि भूषण के नाम से जानते हैं। अब मन में प्रश्न होगा कि दोनों पद में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हुआ हो, तो हमसे आप कह सकते हैं, मैं इसको दोबारा बताऊंगा आपको। कोई शब्द का अर्थ अगर हो तो पूछिए हमसे।